अरे वाह, चलिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना चार प्रदेशों के विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। तेलंगाना को छोड़कर बाकी के तीन राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। तमाम कयासों पर अब जो है विराम लग चुका है और अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद में और हमारे पीछे ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितनी खुशी महसूस हो रही है। बहुत खुश हैं हम लोग। तीन राज्य में हमारा बीजेपी झंडा फहराया है और देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कितने खुश हैं और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, इन्होंने साबित कर दिखाया है। किसको क्रेडिट देती हैं इस जीत के लिए, किसको क्रेडिट दे रही हैं आप? मोदी सरकार को। मोदी सरकार को सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं। कहा तो जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें महिलाओं ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। महिलाओं को जो कुछ जो योजनाएं मिली थी, जिनका लाभ मिला था महिलाओं को, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सरकार की वापसी उसी का एक परिणाम है। नहीं नहीं, ये महिलाओं का तो गुप्त मतलब साइलेंट वोटर है ही है महिलाएं, और मोदी जी जो योजना चला रहे हैं तो महिलाओं तक पहुंच रहा है, वही खुशी है। कार्यकर्ता लोग जो है वो पूरी लगन ईमानदारी के साथ काम किए। महिलाएं साइलेंट वोटर ही क्यों हैं, वायलेंट क्यों नहीं होती हैं? होंगे, उसका भी समय आ रहा है, वायलेंट भी हो जाएंगे। सुनिए, मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में महिलाओं का इतना ज़्यादा वोटिंग हुआ है, महिलाओं में काफ़ी उत्साह था। मैं वहाँ चुनाव कराने गई थी, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा में मैं थी, और देखिए अभी जो हमारी साड़ी है वहाँ के विधायिका ने मुझे जीत की अग्रिम बधाई में दी थी, दे कर आई थी, और वही मैं छत्तीसगढ़ी साड़ी पहनकर और मोदी जी का जीत का जश्न मना रहे हैं। चार में से तीन पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया, पाँचवा रिजल्ट जो है वो कल आने वाला है, कल को लेकर के क्या है आपका कहना? कल को लेकर के हम ही लोग के पक्ष में आने वाला है, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तीन राज्यों में आप लोगों ने जीत का परचम लहराया है, चौथा आपके हाथ से निकल गया, पांचवे की रिजल्ट कल आने वाला है, पांचवा भी जीत, छठवां बिहार होगा। बिहार में आप लोग क्या मानते हैं, यहाँ भी महिलाएं साइलेंट वोटर आपके लिए होंगी? बिहार में भी हम ही जीतेंगे, 24 भी हम ही जीतेंगे। 24 का आगाज है, देश में एक ही गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी, और उस गारंटी पर हम चुनाव जीत रहे हैं, आगे भी जीतेंगे। आपने रिजल्ट में देख लिया, आज ही विपक्ष आपस में लड़ने लगा, तू-तू में होने लगा, 24 तक तो फेंका जाएंगे हवा में, कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, आप मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को भी ये क्रेडिट जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, पर जो राष्ट्रीय छवि है, जो राष्ट्र पटल पर है, वो नरेंद्र मोदी जी की छवि है, और उसी चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और 14 से अभी तक हमारा सीट बढ़ रहा है, और 2024 में हम 350+ सीट जीत कर दिखाएंगे, हम कार्यकर्ताओं का विश्वास है। कांग्रेस ने कल दावा किया था कि हम चारों राज्यों में जीतेंगे और उसके अगले दिन जो पांचवा परिणाम आएगा उसमें भी जीत हमारी होगी। अब तो जो रिजल्ट आ रहे हैं सारे कयासों पर अब विराम लग गया है। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे वहां हम ही होंगे। कांग्रेस पार्टी के किसी भी जुमले पर अब भारत की कोई भी नागरिक विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। भारत का बच्चा बच्चा पूरी तरह बीजेपी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी पे पूरे अपना विश्वास रखता है, इस चलते वोट हो बीजेपी को ही देगा। तमाम कयासों पर अब विराम लग चुका है, चार में से तीन सीट बीजेपी को मिल गए हैं, तीनों जगह बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्या महसूस रहा आप? मोदी की गारंटी है, जनता ने मोदी पर फिर विश्वास दिया है, मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि हमारी गारंटी मान लीजिए, जनता मानती है, सारे गारंटी पर मोदी की गारंटी सबसे ज़बरदस्त है, जनता मान गई है, मोदी ही नेता है, मोदी ही सब कुछ है, अब मोदी के रूप में विकास पुरुष इस देश को मिला है। 2024 के चुनाव पर क्या इसका परिणाम देखने को मिलेगा? जय है, जय ही रहेगा। सवाल बचा कहाँ? जय है और जय ही रहेगा, कुछ नहीं। तमाम लोग ये बात मान गए हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जनता का पूर्ण विश्वास है। बिहार चुनाव के लिए मोदी की क्या गारंटी?
मोदी की गारंटी सभी मान रहे हैं। जब राजस्थान, उत्तर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मान लिए तो बिहार तो राजनीतिक रूप से ही जागृत प्रदेश है, जाना तय है। चले गए चाचा, जाएंगे, तय मानिए। चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जो तस्वीर अभी दिख रही है, हर जगह फगवा लहरा रहा है। पूरा जितना भी स्टेट है, जहां उसकी सरकार है, वहां भी, जहां नहीं है वहां भी, हर जगह लोग जश्न में डूबे हुए हैं। बिहार चुनाव को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? क्या मोदी के गारंटी काम आएगी यहां? बिहार चुनाव को लेकर जनता ने मुहर लगा दिया है। जैसे आपने 5 राज्यों का चुनाव देखा, जनता ने स्पष्ट बहुमत कर दिया कि जिसकी कथनी करनी में अंतर नहीं होगा वही राज करेगा, वही शासन चलाएगा। मोदी एक मुनि है, एक संत है, एक अविस्मरणीय व्यक्ति हैं, जो जिसके नेतृत्व में भारत पूर्ण पूर्ण विकास कर रहा है। बिहार हमारा पीछे है, ये चाचा और भतीजे की सरकार से जनता एकदम उब चुकी है। 25 में बिहार इतिहास बनाने जा रहा है, भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। गारंटी दिखेगा आपको? नहीं दिख रहा है? बिहार में दिखेगा, पूरे देश में दिख रहा है, हर राज्य में दिख रहा है, बिहार में भी दिखेगा। युवा साथी हमारे साथ, आपका जो कपड़ा है ये पूरा एकदम भगवा रंग में है, भगवामय हो गए हैं एकदम। क्या लग रहा है आपको ये जो चुनाव के जो परिणाम आए हैं, कितनी खुशी हो रही है? अभी ये टेलर है, 24 का चुनाव अभी टेलर है, ये टेलर है पिक्चर, अभी 24 का चुनाव बाकी है, 400 पार रहेगा। अच्छा, 24 का चुनाव जो है वो पूरा पिक्चर होगा, ये टेलर है, टेलर है। और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, वो तो मानिए तो हम लोग जीत रहे हैं। अभी देखिए, अभी 24 खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा बिहार का हालात, भाजपा क्या रहेगी, पूरा केसरिया हो जाएगा बिहार, पूरा बिहार केसरिया रहेगा, भगवा रंग में रंग जाएगा पूरा बिहार।